हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर पवन सिंह आने वाले हैं अभी, जो काराकाट क्षेत्र से लोकसभा से प्रत्याशी है, खड़े हुए निर्दलीय में है ना। ये सारे के सारे लोग पवन सिंह जी के सपोर्टर हैं। यहाँ पर काफ़ी पब्लिक की भीड़ लगी है, यहाँ से आने वाले हैं, गुजरने वाले हैं। तभी आप जान रहे हैं कि जो चुनाव की सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो गई है, चारों तरफ चुनाव की ही बात की जा रही है। और यहाँ पर भी जो पब्लिक इकट्ठा हुई है ये चुनाव को लेकर ही है, जो पवन सिंह का इंतज़ार कर रही है। तभी बहुत ही जल्द पवन सिंह यहाँ से गुजरने वाले हैं, आने वाले हैं। तो चलिए हम पब्लिक से बात करते हैं। इधर आइए, वहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आइए। सिंह जी के सपोर्टर हैं, क्या विश्वास है कि पवन सिंह जी यहाँ से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। आप लोग पवन सिंह जी को ही क्यों जिताना चाहते हैं? इसलिए कि युवा नेता है हमारे और हमने देखा बार बार आपकी बार पावर स्टार। तो काराकाट से और कौन कौन खड़ा उनके विपक्ष में? में राजन कुशवाहा हैं, जिनको हम लोग आज तक देखा है। आपकी बार युवा सरकार पावर स्टार। सरकार से कोई अपना किरण प्रभाकर भी आ रहे हैं? किरण प्रभाकर आ रही है, अभी उनको समय मिलेगा, 10 साल बाद वो ट्राई करें। प्रयास करना अच्छी बात होती है, एक बार और प्रयास करें। लेकिन आपकी बार चले बार और पावर स्टार पवन सिंह को हम लोग समर्थन करेंगे। तो यहाँ पर काराकाट क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा भी है, किरण प्रभाकर भी है और पवन सिंह जी भी हैं। तो सारी पब्लिक यहाँ पर जो इकट्ठा हुई है, सारे पवन सिंह के सपोर्टर हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पवन सिंह को ही क्यों जिताना चाहते हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात है, जब से काराकाट लोकसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ, आज जो काराकाट है पूरे भारत में हॉट सीट बना हुआ है। जब तक पवन सिंह का आगमन नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं था कि काराकाट में चुनाव कौन लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है। लेकिन जब से पावर स्टार आए हैं, यहाँ तक कि पूरे भारतवर्ष में हॉट सीट का जो नाम है वो काराकाट संसदीय क्षेत्र बन चुका है। और पवन सिंह ने इस चुनाव में आकर के साबित कर दिया है कि सबको आपने दिया मौका, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं। पवन सिंह जी निर्दलीय से खड़ा हो रहे हैं जी, तो जीतने के बाद किस पार्टी में शामिल होने का उम्मीद है? देखिए, अभी तक उन्होंने किसी भी पार्टी पर का समर्थन नहीं किया है, अभी निर्दलीय का बात है। रहा बात देश हित में, जो पार्टी काम करेगी पवन सिंह उसके साथ रहेंगे, चाहे वो कोई पार्टी हो, उसके लिए कोई मतलब नहीं। कोई मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि देश हित में जो पार्टी काम करेगी उनके साथ वो शामिल हो जाएंगे। तो मतलब ये 100% पक्का है कि पवन सिंह ही इस क्षेत्र से आने वाले हैं। देखिए, पवन सिंह के साथ क्या है कि केवल एक जाति का सपोर्ट नहीं है, उनके साथ सारे जातियों का सपोर्ट है, उसके साथ पूरे क्या बोलते हैं गार्जियन का सपोर्ट है, सारे हमारे भाई बंधु माता बंधु सबका सपोर्ट है, पूरे भोजपुरी समाज का। और ये पवन सिंह हमारे आन बान शान भोजपुरी के शान है, इसलिए अब की बार पावर स्टार। जैसा कि आप सबको पता होगा, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पवन सिंह जी भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं और बहुत बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार। हम कुछ गार्जियन से जानेंगे, कुछ बुजुर्ग लोगों से जानेंगे कि पवन सिंह के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है, पवन सिंह जी यहाँ से जीतेंगे? काराकाट से 2 लाख वोट से जीतेंगे। दो लाख। तो आपको उम्मीद है, विश्वास है कि पवन सिंह जी जीतने के बाद यहाँ के लिए कुछ करेंगे? बहुत ज़्यादा विकास करेंगे और नौकरी में और लड़का में उत्साह भरेंगे और पवन सिंह ही यहाँ से जीतेंगे। हमारे यहाँ पवन सिंह के सिवा दूसरा कोई नहीं जीतेगा। बहुत अच्छे हम लोगों का कैंडिडेट आए हैं, पवन सिंह को एकदम जीता कर लाखों वोट से हम लोग यहाँ से भेजेंगे। और पवन भैया नाम है उनका, पवन है वो आते ही पूरा आंधी स्टार्ट हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
और पवन भैया के एकदम निश्चित है कि निश्चित रूप से पवन भैया जीतेंगे, एकदम आशा नहीं पूरा विश्वास है, उनका नाम ही उनका पवन है, वो जहाँ चलते हैं दाली दीपान लेकर चलते हैं। और देख लीजिए मौसम, जी पवन सिंह का आवाज इधर घूम गया है, पवन सुत हनुमान है वो, बिहार का हम लोग का आन शान है, काराकाट से कोई उनको रोकने वाला नहीं है सर, जितना वैकेंसी फंसा हुआ है बिहार के ना, सब लड़का लोग इंतजार देख रहा है पवन सिंह का, सब पास हो जाएगा। नहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि पवन सिंह जी तो ठीक है लेकिन जीत जाने के बाद वो तो मुंबई चले जाएंगे। हम लोग हैं पवन सिंह के सहयोग करेंगे बिल्कुल। तो पवन सिंह का सहयोग करने का कारण क्या है, किस वजह से आप करना चाहते हैं? अगला प्रत्याशी जो है उपेंद्र कुशवाहा जीत कर जाता है तो 5 साल के बाद आता है, अभी उसको वोट लेना है तो प्रतिदिन दौरा कर रहा है, आज दौरा नहीं कर रहा। तो अभी मतलब थोड़ी देर में ही पवन सिंह जी यहाँ पर आने वाला है, हम आपको उनका भी नज़ारा करवाएंगे, जस्ट स्टे ट्यून्ड। Okay.